मुंशी प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में चंद्रकांति रमावती देवी आर महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने कजरी गीत नृत्य के साथ साथ विकास गीत एवं लघु नाटिका दूध का दाम का मंचन किया। नाट रूपांतरण के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनंत मिश्रा ने शिरकत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनंत मिश्रा ने कहा कि हिंदी साहित्य के आधार पर स्तंभ एवं ख्याति लब ज्ञाता मुंशी प्रेमचंद कहानियों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उनके अध्ययन से तत्कालीन मानवीय जीवन एवं समाज को जाना और समझा जा सकता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर अनंत मिश्रा ने छात्राओं को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी मिश्रा, डॉक्टर पवन, डॉक्टर रेखा रानी, अंकिता, प्रीति, वंशिका, श्वेता, अलीशा, श्रुति पांडे सहित विद्यालय की शिक्षिकाएं और अन्य छात्राएं मौजूद रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चंद्रकांति रमावती देवी आर महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर सुमन सिंह ने कहा। दिखाई पड़ता है वो चकाचौंध किसकी कीमत पर मिल रहा है। इस बात को प्रेमचंद ने उस जमाने में इशारा किया था। 36 वर्ष का देहावसान हुआ, 57 वर्ष की कुल आयु में, और धनपत राय से नवाब राय और नवाब राय से प्रेमचंद बनने की कहानी को लड़की बता रही थी। कैसे सोजे वतन अंग्रेजों ने जब्त किया, कैसे उनकी कहानी निमंत्रण मंत्र और दूसरी कहानियों पर पंडितों ने बवाल मचाया, वो सारी कहानी आप किताबों में पढ़े देखते हैं। आज भी शास्त्री जी जो आए थे नाटक के भीतर, वो कैसा व्यवहार कर रहे थे? क्या आज पंडितों पुजारियों का व्यवहार वैसा नहीं? वो थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया है, थोड़ा ज़्यादा। लोग कहते हैं गरीबी समाप्त हो गई, मित्रों गरीबी कहीं नहीं समाप्त होती है। गरीबी जो परिस्थिति होती है वो परिस्थिति तुलनात्मक होती है। आदमी की गरीबी दो रोटी अगर है तो दो रोटी में भी काम चलता है, लेकिन जब कोई देखता है कि दो रोटी खाने वाले लोग पाने वाले लोग दिक्कत में हैं और रोटियां लोग फेंक रहे हैं, कोका कोला की बोतल उठा करके आधा पी कर फेंक दे रहे हैं, और एक बच्चा है जो तड़प रहा है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि चोरी और चोरी में भी अंतर होता है। भूख का मारा एक बच्चा अगर किसी के खेत से मूली उखाड़ देता है और हीरे का व्यापारी अगर लाखों करोड़ों रुपया लेकर भाग जाता है तो दोनों चोरियों को समान भाव से नहीं देखना चाहिए। तो ये सामाजिक परिस्थिति आज भी है। अगर आप प्रेमचंद के सोजे वतन से लेकर के उनके गमन और उनके सबसे बड़े उपन्यास गोदान तक की यात्रा करें तो गोदान में आखिर में क्या होता है? जो पंडितों का समाज है, पंडित जी आते हैं दाता दीन, वो तो कहते हैं कि कुछ इनके लिए गोदान होना चाहिए। जब लोग ये छुट्टी लेता है तो उससे कहता अच्छा तुम जाए हो जा, क्या तेरे रघुवीर नंबाई जी को सामान दे दिया, आप उधर से आते हैं। Thank you.
डॉक्टर सुमन सिंह, प्रवक्ता हिंदी विभाग। आज चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में प्रेमचंद जयंती जी की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुंशी प्रेमचंद, जो एक उपन्यास सम्राट की पदवी से विभूषित हैं, उन्होंने हमारे समाज के जो यथार्थ हैं उस यथार्थ रूप को चित्रित किया। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की और इसके साथ ही साथ हमारे समाज का जो एक यथार्थ नग्न रूप है उस रूप को चित्रित किया। इसके पूर्व हम देखते हैं, प्रेमचंद के पूर्व देखते हैं कि जो हमारा कहानी साहित्य है, कथा साहित्य है, वो मनोरंजन की प्रधानता उसमें देखने को मिलती है, लेकिन प्रेमचंद ने उसे साधारण सी कथा शैली से ऊपर उठाकर अपने विचारों के प्रकटीकरण का एक माध्यम बनाया था और उन्होंने एक युग का प्रवर्तन किया था। तो ऐसे ही हमारे महाविद्यालय का उद्देश्य रहता है कि हमारे बीच जो महापुरुष हैं, हमारे भारतवर्ष के जो महापुरुष हैं, उनके विचारों को, उनकी कृतियों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को हमारी छात्राओं के बीच लाया जाए, उनका ज्ञानवर्धन किया जाए। इसी उद्देश्य से हम सभी यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी के अंतर्गत आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसके अंतर्गत छात्राएं उपस्थित होकर यहां लाभान्वित हो रही हैं।